अगर ऑफर देता है ना तो अवेरे तो उससे कहा कि चलो मैं नाश्ता कराने जाता हूँ। तो मैंने कहा यार देरी कैसी है, मैं झटपट रेडी हुई हूँ और मैं रेडी हूँ, मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ नाश्ता करने। सो लेट्स गो विद अस। सुबह सुबह नाश्ता करने का अपना मजा है। क्वेटा गुलिस्तान मेरे घर के करीब है और ये क्वेटा होटल पठान के अंदर है। यहाँ पे पठान सारे वर्कर्स हैं और यकीन माने कि मुझे लगा था कि पहले मैं इनसे कहूँगी कि मुझे वीडियो बनानी है तो उन्होंने मुझे साफ मना करना है, बीबी जाओ जाके वहाँ पीछे बैठो। अच्छा वैसे ऐसा एक्सपेक्ट किया भी जा सकता था, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप खड़ी हुए, आप जिस तरीके से वीडियो बनाना चाहती हैं आप बनाएं। फिर मैं इन पराठे वाले भाई साहब के पास खड़ी हुई जिन्होंने पराठे पे काफ़ी टाइम लगाया, क्योंकि आई थिंक बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं सोचती थी ना कि बड़ी जल्दी बन जाते हैं घर में हम जैसे बनाते हैं, लेकिन नहीं भाई बड़ा टाइम लगा था। आप देखें किस तरीके से पराठे को प्रेस करते हैं और फिर प्रेस करके जो नीचे की लेयर्स होती हैं उनको बनाते हैं, और बहुत बहुत मज़े के थे यार। तभी तो क्वेटा का पराठा मशहूर है क्योंकि क्वेटा के पराठे के पीछे इतनी मेहनत लगती है। अच्छा मेरा जब दिल करता है ना मैं चली जाती हूँ नाश्ता करने के लिए। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी हम लोग आइटम वाली साइड पर जाते थे वहाँ पर नाश्ता करने। नाश्ते का अपना मज़ा होता है, अगर जो लोग नाश्ता मिस करते हैं ना और ऐसा नाश्ता मिस करते हैं तो यार अपने साथ ज़्यादती है, आप ऐसी ज़्यादती ना किया करें। पराठा कौन छोड़ता है यार चाय के साथ सुबह सुबह, वो भी नाश्ते में। हाँ वो छोड़ सकते हैं जिनको कुछ ज़्यादा मसला हो, लेकिन खाना चाहिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है बार बार नहीं मिलती। आप लोग भी निकलें बाहर जाएं नाश्ता करें अपनी ज़िंदगी के पल को एंजॉय करें। खैर मैं यहाँ पर इतनी बातें कर रही हूँ और मैं वहाँ पर इतनी देख रही हूँ इंतज़ार करती रही कि ये कब बनेगा। इन्होंने पहले एक साइड पर लेयर्स बनाई, प्रेस किया दूसरी साइड पर लेयर्स बनाने के लिए, फिर मैंने कहा अच्छा जी आप बनाएं मैं देखती जाती हूँ। मेरे भाई साहब भी बनाते रहे। पीछे से आवाज़ आ रही थी बाजी आपने चाय की वीडियो बनानी है, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ जी बनानी है, आप सब्र करें मैं आती हूँ, आप धुआँ चेक करें। तो फिर मैं साथ ही उस भाई ने अंडे तोड़े और ऑमलेट बनाया, वो भी बहुत मज़े का था यार। मतलब इतना रीज़नेबल नाश्ता होता है, आप मतलब आराम सुकून से जाके कर सकते हो, इतना कोई महंगा नाश्ता भी नहीं है। और अगर आप फैंसी नाश्ता इतना ख़ास पसंद नहीं करते, मैं इतना ख़ास पसंद नहीं करती फैंसी नाश्ता, मुझे अच्छा लगता है अंडा पराठा खाना, चाय पीना, लेकिन कड़क चाय पीना जो पी के ना मेरा दिमाग खुल जाए। आपको सुबह सुबह के वक्त ना एक कड़क चाय ज़रूरी होती है आपके लिए, आपका दिल करता है कि यार सुबह का मेरा आवाज़ जो है ना आपको अच्छी चाय के साथ हो। और फिर मैंने अंडा डाला, आपका आवाज़ सुन किसी से आई ना। अच्छा यहाँ की वीडियो बहुत अच्छी बनी थी, मैं देख रही थी कि क्या सुबह सुबह के नाश्ते की वाइब आ रही थी। सब सुबह सुबह अपना काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपना सुबह का आगाज़ कर रहे हैं चाय के साथ ही। हमने अपने अंकल को सलाम किया, अंकल ने वैसे मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया था, लेकिन है कोई बात नहीं, मैं उनसे ये भी नहीं कह सकती अंकल आपने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने चाय डाली, गर्म गर्म चाय डाली। और वैसे अगर आप एक बार एडिक्टिव हो जाओ ना इसकी चाय की तो फिर आप पीछे नहीं मुड़ते। बहुत से लोग हैं मैंने देखे जो क्वेटा की चाय के इतने एडिक्टिव हो जाते हैं। रख दें आप, थैंक यू, रख दें यार। ये हमारा नाश्ता आ गया भाई। लाइबा जो है वो घर से नाश्ता करके थी तो इसने कहा कि मैं चाय पीऊँगी, तो हमने कहा ना खा पराठे सानू की, तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता वाकई बहुत मज़ेदार, सो कुछ नहीं बस हम नाश्ता करने लगे। अजीब जानवर है, जितना भी खा रहे हैं। हमें नहीं पता लाइबा क्या बोल रही है, भूखे ही रहे, हम नाश्ते में बिजी। वेल पीछे मौसीकी बहुत अच्छी आ रही है। वैसे एक बात है, आप बड़ी बड़ी जगह से चले जाए नाश्ता करने ना तो चाय पराठे की चस है ना वो नहीं आती है ना। ये वो दो हैं जो सुबह नहीं उठते, एक 12 बजे एक 11 बजे, और मैं सुबह 7:30 बजे उठ के नाश्ता करती हूँ। अच्छा इन लोगों ने सब कुछ खा लिया यार, नाश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं
हाँ मैं यही पूछने वाली थी कि इसने कहा था 1 जनवरी से मैं डाइट पे हूँ और 3 पराठे ये दोनों खा चुके हैं, लच्छेदार, मतलब कि हैवी होते हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। 2 ऑमलेट मेरे खाने पे नजर रखी जा रही है। मैं नहीं, बंद करो, ये गलत बात है। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद करने वाली।